हे गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हिंदी टेक एचडी। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M32 5G वर्सेस रेडमी नोट 10 प्रो के बीच में, और साथ ही देखेंगे कि फ़ोन के कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉडी ऑफ द डिवाइसेस, फीचर्स, कम्युनिकेशन चिप्स एंड अबाउट द प्राइसेस में कौन सा डिवाइस बेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं फ़ोन के कैमरा से, रेयर कैमरे से स्टार्ट करते हैं। M32 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और वहीं बात की जाए 10 प्रो की, तो उसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सो इन दोनों के बीच में विनर रहेगा 10 प्रो, क्योंकि 64 मेगापिक्सल के वाइड कैमरे के साथ आता है जो कि आपको हाई रेजोल्यूशन ऑफ फोटोज़ प्रोवाइड करा देगा। और बात की जाए फ्रंट कैमरे की, तो M32 में आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिलता है और नोट 10 प्रो में आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिलता है। तो फ्रंट कैमरे के मामले में विनर रहेगा M32, क्योंकि ये लो एपर्चर के साथ आता है जो आपको लो नॉइजी फोटोज़ लो लाइट कंडीशन में दे देगा, इसलिए इस केस में विनर रहेगा M32। बात की जाए कैमरा फीचर्स की, तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको LED फ्लैश, HDR और पैनोरामा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा। बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो M32 में आपको 4K की रिकॉर्डिंग 30fps पे, फुल HD की रिकॉर्डिंग 30fps पे मिल जाती है, और नोट 10 प्रो में आपको 4K की रिकॉर्डिंग 30fps पे, फुल HD की रिकॉर्डिंग 120fps पे आपको देखने को मिल जाती है। तो इस केस में विनर रहेगा 10 प्रो, क्योंकि ये फुल HD की रिकॉर्डिंग 120fps पे रिकॉर्ड कर देता है एज़ कम्पेयर टू M32 के। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के परफॉर्मेंस की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस बेटर परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। दोनों डिवाइसेस में आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसलिए इस केस में टाई रहेगा। यूज़र इंटरफेस की बात की जाए, तो M32 में आपको वन UI देखने को मिल जाता है और 10 प्रो में आपको MIUI। सो दोनों ही डिवाइसेस में डिफरेंट यूज़र इंटरफेस है, इसलिए दोनों के बीच में टाई रहेगा, क्योंकि आपकी पसंद है आपको कौन सा पसंद है इंटरफेस। बात की जाए प्रोसेसर की, तो M32 में आपको Dimensity 725G का प्रोसेसर देखने को मिलता है और 10 प्रो में आपको Snapdragon 732G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो इस केस में बना रहेगा 10 प्रो, क्योंकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा एज़ कम्पेयर टू M32 के। और बात की जाए GPU यानी ग्राफिक यूनिट की, तो M32 में आपको Mali G57 का GPU देखने को मिलता है और 10 प्रो में आपको Adreno 618 का। तो 10 प्रो आपको ज़्यादा FPS दे देगा गेम्स में, इसलिए इस केस में विनर रहेगा 10 प्रो। और बात की जाए क्लॉक स्पीड की, M32 में आपको 2.0 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है और 10 प्रो में आपको 2.3 GHz की। सो क्लॉक स्पीड ज़्यादा होने की वजह से 10 प्रो इस केस में विनर रहेगा। रैम ऑप्शंस की बात की जाए, तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको 6 और 8 GB का रैम ऑप्शन आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलता है, इसलिए रैम ऑप्शन के मामले में दोनों में टाई रहेगा। इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए, तो M32 में आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है और 10 प्रो में आपको 128 और 256GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। सो इस केस में क्लियरली विनर रहेगा 10 प्रो, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें ज़्यादा मिलती है और इसकी रीड एंड राइट स्पीड भी ज़्यादा है, इसलिए इस केस में विनर रहेगा नोट 10 प्रो। एक्सटर्नल स्टोरेज की बात की जाए, तो M32 में आपको शेयर्ड सिम स्लॉट देखने को मिलता है और नोट 10 प्रो में आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, इसलिए 10 प्रो इस केस में विनर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के डिस्प्ले फीचर्स की तरफ। स्क्रीन साइज से स्टार्ट करते हैं। M32 में आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है और 10 प्रो में आपको 6.67 इंचेस की। सो स्क्रीन साइज ज़्यादा होने की वजह से 10 प्रो इस केस में विनर रहेगा। बात की जाए स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो M32 में आपको 81.6% का रेशियो देखने को मिलता है और वहीं बात की जाए 10 प्रो की, तो आपको 85.7% का रेशियो देखने को मिलता है। तो रेशियो ज़्यादा होने की वजह से इस केस में विनर रहेगा 10 प्रो। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के स्क्रीन रेजोल्यूशन की तरफ। M32 की बात की जाए, तो उसमें आप HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और 10 प्रो में आपको फुल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलती है। सो इस केस में विनर रहेगा 10 प्रो, क्योंकि फुल HD+ की डिस्प्ले के साथ आता है जो कि आपको शार्पर इमेजेस प्रोवाइड कराएगा। डिस्प्ले टाइप की बात की जाए, तो M32 में आपको TFT का पैनल देखने को मिलता है। 10 प्रो की बात की जाए, तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ HDR10 सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलता है, इसलिए इस केस में विनर रहेगा 10 प्रो, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको अच्छे कलर्स प्रोवाइड कराता है, डार्कर ब्लैक्स और विविड कलर्स आपको प्रोवाइड करा देता है, इसलिए। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के बॉडी फीचर्स की तरफ। थिकनेस से स्टार्ट करते हैं। M32 में आपको 9.1mm की थिकनेस मिलती है और 10 प्रो में आपको 8.1mm की। सो थिकनेस के मामले में विनर रहेगा 10 प्रो।
बॉडी वेट की बात की जाए तो 205 ग्राम का वेट आपको M32 में देखने को मिलता है, और नोट 10 प्रो की बात की जाए तो 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। सो इस केस में विनर रहेगा 10 प्रो, क्योंकि ये लाइटर बॉडी वेट के साथ आता है, इसलिए ये इस केस में विनर रहेगा M32। बात की जाए प्रोटेक्टिव ग्लास की तो M32 में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का ऑप्शन देखने को मिलता है, और नोट 10 प्रो में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का। तो ज़्यादा तो न्यूअर जनरेशन ऑफ ग्लास की वजह से 10 प्रो इस केस में विनर रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी दे देगा एज कम्पेयर टू गोरिल्ला ग्लास 3 के। बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको प्लास्टिक बैक प्लास्टिक फ्रेम के साथ देखने को मिलता है, इसलिए दोनों के बीच में टायर रहेगा। सिम ऑप्शन की बात की जाए तो दोनों डिवाइसेज में आपको ड्यूल नैनो सिम सपोर्ट देखने को मिलता है, इसलिए दोनों के बीच में टायर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं डिवाइसेज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ। फिंगरप्रिंट से स्टार्ट करते हैं तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, इसलिए दोनों के बीच में टायर रहेगा। और बात की जाए सेंसर्स की तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको एक्सेलेरोमीटर जायरोस्कोप प्रॉक्सिमिटी और कंपास का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसलिए दोनों के बीच में टायर रहेगा। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो अप्रॉक्स दोनों ही डिवाइसेज में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, इसलिए दोनों के बीच में टायर रहेगा। और चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो M32 में आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, और 10 प्रो में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो फास्ट चार्जिंग ज़्यादा होने की वजह से 10 प्रो इस केस में बना रहेगा। लाउड स्पीकर की बात की जाए तो M32 में आपको नॉर्मल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, और 10 प्रो में आपको स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो स्टीरियो स्पीकर्स होने की वजह से 10 प्रो इस केस में विनर रहेगा, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर्स आपको अच्छे इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस दे देगा एज कम्पेयर टू M32 के। और बात की जाए हेडफोन जैक की तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है, इसलिए दोनों के बीच में टायर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के कम्युनिकेशन चिप्स की तरफ। WLAN से स्टार्ट करते हैं तो दोनों डिवाइसेस में आपको वाईफाई AC ड्यूल बैंड वाईफाई डायरेक्ट और हॉटस्पॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसलिए दोनों के बीच में टायर रहेगा। और बात की जाए ब्लूटूथ वर्जन की तो सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको 5th जनरेशन का ब्लूटूथ देखने को मिलता है, और 10 प्रो में आपको 5.1 जनरेशन का। सो न्यू जनरेशन ऑफ ब्लूटूथ होने की वजह से 10 प्रो इस केस में विनर रहेगा। बात की जाए पोजिशनिंग चिप्स की तो M32 में आपको AGPS ग्लोनस गैलीलियो और BDS का ऑप्शन देखने को मिलता है, और 10 प्रो में आपको AGPS ग्लोनस और BDS का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गैलीलियो चिप होने की वजह से M32 इस केस में विनर रहेगा। USB कनेक्टिविटी की बात की जाए तो M32 में आपको 2nd जेन का टाइप सी कनेक्टर OTG सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है, और नोट 10 प्रो में आपको सिर्फ 2nd जेन का टाइप सी कनेक्टर देखने को मिलता है। सो इस केस में विनर रहेगा M32। चलिए बढ़ते हैं दोनों डिवाइसेस के प्राइस की तरफ और देखते हैं कौन से सेगमेंट में कौन सा डिवाइस फॉल करता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो M32 की स्टार्टिंग रेंज $250 है, और नोट 10 प्रो की स्टार्टिंग रेंज $280 है। इंडियन मार्केट की बात की जाए तो 21,000 रुपीज़ की स्टार्टिंग रेंज M32 की है, 10 प्रो की स्टार्टिंग रेंज 18,000 रुपीज़ है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के कॉन्क्लूजन की तरफ और देखते हैं कौन सा डिवाइस कौन से सेगमेंट में बेस्ट रहा। कैमरे में विनर रहा 10 प्रो, परफॉर्मेंस में विनर रहा 10 प्रो, डिस्प्ले में विनर रहा 10 प्रो, बॉडी सेगमेंट में विनर रहा 10 प्रो, फीचर्स ऑफ द डिवाइस में टाई है, कम्युनिकेशन चिप्स में टाई, और प्राइजेस में विनर है 10 प्रो। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए HD को, और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि दोनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस आपको बेटर लगा। और मुझे इंस्टा पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरी ID मिल जाएगी। मैं हूं अमित, तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।